फिजिक्स के सेकंड खंड का क्लास 12 का प्रकाश अपवर्तन में से एक है वास्तविक एवं आभासी गहराई। जब हम किसी वस्तु को किसी द्रव भरे बर्तन की तली पर रखते हैं, जैसे ओर रखते हैं, तो वो वस्तु हमें यहाँ दिखाई देती है, मतलब उसकी वास्तविक गहराई कम हो जाती है। ये होता है प्रकाश अपवर्तन के कारण। और वास्तविक गहराई जो होती है, वास्तविक गहराई आभासी गहराई के जो बीच का अनुपात होता है, इस द्रव का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, यानी कि द्रव का अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। अगर हमें आभासी गहराई को ज्ञात करना है तो आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे में द्रव का अपवर्तनांक, ये ध्यान रखा जाता है। अगर मान लीजिए वास्तु में स्थिति में विस्थापन अगर हम काउंट कर रहे हैं कि वस्तु की स्थिति में कितनी विस्थापन हुई, तो देखिए उसकी वास्तविक गहराई थी h और आभासी गहराई थी स्मॉल h। तो h में से h को अगर हम घटा देंगे तो वस्तु की स्थिति विस्थापन होगी, यानी अपवर्तन के कारण वस्तु के गहराई में कितना डिफरेंस आया वो होगा। तो आप ऐसे भी सवाल को हल कर सकते हैं कि स्मॉल h बराबर होता है h बटे n, अभी हमने किया था ये वाला, ये h बटे n ही है। तो यहाँ पे हम ये सूत्र का भी प्रयोग हम वस्तु की स्थिति विस्थापन में कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये जो आपका बना हुआ है, इसमें अगर कई लेयर में अगर द्रव अलग अलग भरा हो, अलग अलग अपवर्तनांक के द्रव भरे हों, तो उस स्थिति में जो आभासी गहराई आती है वो आपकी इस तरह से आती है कि H1 में से N1, H2 में से N2, इस तरह से। और H1 H2 आपको इस तरह से काउंट करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे एक सवाल हम आपको दे रहे हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है, इसको कहते हैं C, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जल का अपवर्तनांक है 4/3। तो प्रकाश की चाल जल में क्या होगी, तो जल में जो प्रकाश की चाल होगी वायु में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक, यानी भी बराबर हो जाएगा 3×10⁸ बटे 4/3, यानी भी हो जाएगा 9/4×10⁸। इसको अगर हम भाग दे देंगे तो 4×2 8 10, 4×2 8 और 4×5 20, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये सवाल बनेगा आपका। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या और होता है अपवर्तन की क्रिया में। देखिए ये नोट्स है, प्रकाश के अपवर्तन क्रिया में प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, यानी वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो चाल बदल जाती है, तरंगदैर्ध्य बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। ठीक है, नीचे में वही लिखे हैं हम, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में चाल और तरंगदैर्ध्य परिवर्तित होते हैं। चाल के लिए भी बराबर सी बाई एन और तरंगदैर्ध्य के लिए लेमडा डैश लेमडा बटे एन, यानी ये वास्तविक चाल है, ये वास्तविक तरंगदैर्ध्य है, ये उस जल का अपवर्तनांक है या माध्यम का अपवर्तनांक है। देखिए प्रकाश अपवर्तन के कई कारण उदाहरण दिए जाते हैं। तारों का टिमटिमाना प्रकाश अपवर्तन के कारण होता है। जब तारों से प्रकाश विभिन्न अपवर्तनांक के वायु माध्यम से गुजरता है तो हमारी पृथ्वी तक आने में उसे कई बार प्रकाश अपना पथ चेंज करता है, उसी को तारों का टिमटिमाना कहते हैं, हमें टिमटिमाता प्रतीत होता है। सूर्य का वास्तविक सूर्योदय कुछ मिनट बाद दिखता है। जैसे सूर्य है, सूर्य यहाँ से उगता है, हम यहाँ से देखते रहते हैं, तो अपवर्तन के कारण और उसके बाद वास्तविक स्थिति बाद में दिखाई देती है। द्रव के सिक्का कम गहरे जल में दिखता है, मतलब वस्तु को अगर हम गहराई में रखते हैं तो लगता है कि वो कम गहराई में दिख रहा है, ये भी अपवर्तन का कारण है। जल में रखी हुई वस्तु मुड़ी प्रतीत होती है, ये उसका भी उदाहरण है। अब देखिए क्रांतिक कोण, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में चले, है ना, प्रवेश करे, तो
तो एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण 90 अंश प्राप्त होता है, ठीक है ना, 90 अंश। जैसा हम ये दिखा रहे हैं कि जब प्रकाश ऐसे चला है तो उसका अपवर्तन कोण ये 90 अंश आया है, तो इस कोण को यानी उसी आपतन कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। और उसका सूत्र 1/2 यानी किसी का अपवर्तनांक माध्यम अपवर्तनांक बटे 1/sin c। तो n2 1 लिखेंगे यानी अगर माध्यम चेंज दिखाएंगे तो साइन सी लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, कोण से आपतन कोण का मान जो हो उसके क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए तो प्रकाश किरण का अपवर्तन ना हो करके परावर्तन होने लगता है। इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसा हम ये दिखा रहे हैं, देखिए जब हम सघन से विरल में घुस रहे हैं तो यहाँ देखिए आर का मान आई से बड़ा हो गया, जब हम क्रांतिक कोण पर जाएंगे तो आर का मान 90 हो जाएगा, उसके बाद अगर हम प्रकाश किरण यानी आपतन कोण से भी बड़ा कर दें प्रकाश किरण को, ये क्रांतिक कोण से भी बड़ा कर दें, तो अब प्रकाश किरण उस साइड ना जा करके अपने प्रारंभिक माध्यम में ही वापस लौटती है, इसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त है, ठीक है, कि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में संचरित हो, ठीक है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो या अधिक हो तो हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलता है। जैसे आपके इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, जल में परखनली का चमकना, कांच की दीवार का चमकना और वायु में जल में वायु का बुलबुला के चमकना, ये आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। एक सवाल देख लीजिए, लिखा है 4000 एंगस्ट्रॉम का तरंग दैर्ध्य का प्रकाश है, 4000 एंगस्ट्रॉम है ना, और n बराबर 4/3 माध्यम के अपवर्तनांक में चल रहा है, उसका तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। अभी हम बताए थे कि लैम्डा डैस बराबर लैम्डा एन होगा यानी वास्तविक तरंग दैर्ध्य बटे अपवर्तनांक, तो यहाँ हम 4000 एंगस्ट्रॉम करेंगे बटे 4/3 करेंगे तो ये कैंसिल होगा यहाँ, तो लैम्डा 1 बराबर होगा 3000 एंगस्ट्रॉम, ये घट गया आपका। अगर उसी समय वेग निकालना हो तो वी बराबर होता है c/n, सी का मान होता है 3×10^8, वो यानी वायु में अपवर्तनांक यही होता है, ये सॉरी वायु में प्रकाश की चाल ये होती है, अपवर्तनांक यानी 4/3 का हम भाग दे देंगे तो 9/8×10^8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ, ये आपका थ्योरी थी। अब थोड़ी और थ्योरी मिलेगी और न्यूमेरिकल मिलेगा, आप पूरे वीडियो को देखें क्योंकि सेकेंड पेपर का प्रकाशिकी यूनिट जो है 18 नंबर की आती है, 35 में 18 नंबर केवल प्रकाशिकी का है जिसमें 6 चैप्टर इंक्लूड होते हैं। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको वीडियो मिले।